हेलो फ्रेंड्स, आयुर्वेदिक टिप्स डीएमएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाबर लोहा सब सिरप के बारे में कि डाबर लोहा सब सिरप क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसको कैसे यूज़ करना है, इसका मार्केट प्राइस क्या है। इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। जानकारी देने से पहले आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि लास्ट में अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कि डाबर लोहा सब सिरप के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कि इसको किन किन घटकों से मिला करके इसको तैयार किया गया है। दोस्तों, इसमें लोहा यानी कि लोहे की भस्म होती है, क्योंकि लोहा सब सिरप है तो इसमें लोहे की भस्म होती है, त्रिफला होता है, इसी के साथ साथ आंवला है, पीपली, काली मिर्च और मुस्तक है, चित्रक है, अजवाइन है, गुड़, शहद, काफ़ी इंग्रेडिएंट्स से मिला करके इस लोहा सब सिरप को तैयार किया गया है। अब दोस्तों, बात की जाए कि इसके इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। अब इंग्रेडिएंट्स आप तो समझ ही गए होंगे कि इसमें जो भी चीज़ें वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बनी हुई, यानी कि काफ़ी अच्छे अच्छे घटकों से मिला करके इस लोहा सिरप को तैयार किया गया है। अब दोस्तों, बात की जाए इसके फ़ायदे कि इसको इस्तेमाल करने से क्या क्या फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। जैसा कि ये एक प्रकार का आयरन टॉनिक होता है, जो कि यानी कि आयुर्वेद में सबसे बेस्ट टॉनिक माना जाता है। जिन लोगों की आयरन की कमी होती है, एनीमिया की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, किसी कारणवश अगर खून की कमी है तो ऐसे कंडीशंस में अगर लोहा सब सिरप का आप इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करता है, आपकी खून की कमी को पूरा करता है। इसका काम होता है कि आपके बॉडी में जो भी हीमोग्लोबिन की मात्रा की कमी हुई है तो उसको पूरा करना होता है दोस्तों। इसी के साथ साथ में क्या करता है कि जिन लोगों को जॉइंटिस की कंडीशन हो जाती है तो ऐसे कंडीशंस में भी खून की क्या होता है कि खून की कमी हो जाती है तो उसको पूरा करने के लिए वो लोहा सब बहुत अच्छा काम करता है। लीवर काफ़ी बड़ा हो जाता है या स्प्लीन बढ़ जाती है, जो तिल्ली वगैरह बढ़ जाती है, लीवर किसी प्रकार से फैटी हो जाता है या फिर भूख वगैरह नहीं लगती है, कोशिश करते हैं खाने की लेकिन आपको खाने का मन नहीं करता है, एसिडिटी, गैस, तेजाबियत बहुत ज़्यादा बनती है, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि डाबर का लोहा सब सिरप काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आपको यानी कि भूख वगैरह नहीं लगती है, अफारा रहता है, पेट मतलब भरा भरा सा रहता है, पेट में काफ़ी गैस बनती है, तो ऐसे कंडीशंस में भी अगर आप लोहा सब सिरप का आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके यानी कि गैस को कंट्रोल करेगा, प्लस आपको डाइजेशन बनाकर रखता है। अगर जिन लोगों की भूख बहुत कम है तो भूख को बढ़ाएगा, आपका डाइजेशन सिस्टम को नॉर्मल रखेगा, खून की कमी है किसी कारणवश तो उस खून की कमी को पूरा करता है। काफ़ी अच्छे यानी कि इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट होता है। तो दोस्तों, कभी भी अगर आपको फैटी लीवर है तो फैटी लीवर में आप इसका यूज़ करें तो आपके फैटी लीवर को नॉर्मल करेगा, स्प्लीन वगैरह बढ़ जाती है, तिल्ली वगैरह बढ़ जाती है जिसे बोलते हैं, तो तिल्ली को भी नॉर्मल करने की कंडीशन में काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको भूख नहीं लगती है, वीकनेस है, तो ये भूख भी बढ़ाएगा, आपको शारीरिक कमजोरी को दूर करेगा और आपको आयरन की अगर कमी है तो उस आयरन को भी पूरा करता है दोस्तों। अब बात की जाए को यानी कि जो मार्केट प्राइस क्या है, तो लोहा सब का मार्केट प्राइस वो यानी कि 450 ml का ये लिक्विड होता है, यानी कि इसमें सिरप भरा होता है, और इसका जो मार्केट प्राइस की अगर बात की जाए तो 135 रुपये है। किसी भी मेडिकल स्टोर से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात की जाए कि अगर एडल्ट के लिए जो पीना कैसे है, यानी कि इसके अगर बात की जाए प्रयोग विधि कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो कभी भी अगर आपको लीवर से संबंधित कोई दिक्कत है, खून की कमी है, पेट से संबंधित कोई समस्या है, गैस, एसिडिटी ज़्यादा बनती है या आपको भूख नहीं लगती है, इंडाइजेशन आपका ठीक नहीं है, तो ऐसे कंडीशंस में अगर आप लोहा सब सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो उसको इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो यानी कि 10 से 20 ml सुबह शाम एडल्ट के लिए, और जितना यानी कि 10 से 20 ml पानी में मिक्स करके बराबर बराबर मात्रा में आप इसको लीजिए। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो अगर 10 ml आप सुबह इस्तेमाल करते हैं, 10 ml शाम को इस्तेमाल करते हैं, तो आप 10 ही ml इसमें पानी को मिक्स करके आप इसको यूज़ करें। अगर आप बिना उसके आप यूज़ करेंगे तो क्या करता है, ये आपके पेट में यानी कि जलन पैदा कर सकता है। तो इसीलिए कभी भी आप इस सिरप को इस्तेमाल करें तो बराबर मात्रा में पानी का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है और ये आयुर्वेदिक का बना हुआ प्रोडक्ट होता है, डाबर कंपनी का बना हुआ प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको लास्ट में और बताऊंगा कि कभी भी कोई दवा YouTube से संबंधित आप इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले किसी डॉक्टर की परामर्श लें, बिना किसी डॉक्टर के परामर्श से आप YouTube से संबंधित किसी दवा का इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।